अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 और 3.6 हल करेंगे। 3.5 है, देखें ये 21/22 मल्टीप्लाई बाय 11/27, इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करके इसे हम हल करेंगे। अब देखें, 11 वन ज़ार 11, 11 टू ज़ार 22, और 3 सेवन ज़ार 21, और 3 नाइन ज़ार 27। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 7/18। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और आगे सवाल करते हैं। ये देखिए, ये है 5/9 × 14/15 × 3/7, सेम वही तरीका, इसे भी रिड्यूस कर देंगे। 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3। अब ऊपर जो बचा नोमिनेटर में 1 × 2 × 1, और डिनोमिनेटर में 9 × 1 × 1, तो 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा/9। ये जी, ये हल हो गया। अब इसके बाद आगे चलें, 3.6 है। 3.6 में यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस दी जाएगी, आप उसके साथ इसे हल करेंगे। 1/2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1/2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2/5/7। देखें, 3 1 ज़ार 3 + 2 5 5/3 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6 6 + 1 7 7/2, 7 2 ज़ार 14 14 + 5 19 19/7। अब ये अगर आपस में रिड्यूस हो सकते हैं तो सही, नहीं तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हल कर देंगे हम। नाइनटीन ओवर सेवन 5 7 ज़ार 35, 3 2 ज़ार 6, और 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 19/7। अब देखें, अगर ये किसी तरह नहीं कटते तो हम 35 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस तरह 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मतलूबा जवाब हासिल हो जाएगा। समझ आए बच्चों? तो होमवर्क में 3.6 के आखिरी 3 सवाल, यानी 5वां 6ठा और 7वां, इसी तरह 3.5 उसके इससे पहले वाली मशक्के यानी 3.5 के भी आखिरी 3 सवाल, टोटल 6 सवाल आपके होमवर्क, ये लाजमी हल कीजिएगा और हल करके सैटरडे को स्कूल में सबमिट कराएंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।